अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। अभी हम न्यूमेरिकल नंबर 5.8 जो है वो यूनिट नंबर 5 का वो करने लगे हैं। इससे पहले के न्यूमेरिकल्स हम कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप प्रीवियस वीडियोस में वो जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं 5.1 से 5.7 तक वो देख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर 5.8 न्यूमेरिकल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, जो 5.8 न्यूमेरिकल है दैट इज़ बिट डिफ़िकल्ट बट रिगार्डिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। मैं आप लोगों के सामने इस न्यूमेरिकल को पढ़ने लगा हूँ। 5.8 न्यूमेरिकल, एट व्हाट एल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ जी वुड बिकम 1/4 देन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल क्या है कि हमें पता है कि इफ़ दिस इज़ अर्थ, एट द सर्फेस ऑफ अर्थ जो है वो वैल्यू ऑफ जी जो है दैट इज़ 9.8 और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, तो एट व्हाट एल्टीट्यूड, यहाँ पर तो इसकी वैल्यू जो है जी की वैल्यू दैट इज़ द मैक्सिमम, जो भी वैल्यू है यहाँ पर दैट इज़ मैक्सिमम एट द सर्फेस ऑफ अर्थ। तो वो किस हाइट पर जो है वैल्यू ऑफ जी जो है दैट वुड बी 1/4। ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू जी है तो एट व्हाट हाइट जो है जो वैल्यू ऑफ जी वुड बी 1/4 ऑफ दिस वैल्यू ऑफ जी। हमने वो हाइट फाइंड आउट करनी है कि कौन सी हाइट पर जो है वो जी की वैल्यू जो है वो 1/4 हो जाती है। ठीक है, तो ये जिस तरह से आप लोगों के वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ये वैसा ही एक प्रॉब्लम है। तो अगर हम यहाँ पर पढ़ें इसको देखें तो इसके मुताबिक क्या है, एट व्हाट एल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ जी वुड बिकम 1/4, मीन्स के जी एच वैल्यू ऑफ जी हमने फाइंड आउट कर, वैल्यू ऑफ जी एट हाइट जो है दैट वुड बी 1/4 ऑफ वैल्यू ऑफ जी। तो ये इक्वेशन जो है इस क्वेश्चन से वो हमें यहाँ पर ये मालूम होती है कि वैल्यू ऑफ जी एट हाइट, वो कौन सी हाइट पर वैल्यू ऑफ जी वुड बी 1/4 ऑफ द वैल्यू ऑफ जी विच इज़ एट द सर्फेस ऑफ अर्थ। तो हमने यहाँ पर ये देखना है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, हमने हाइट जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जी की वैल्यू एट द सरफेस ऑफ अर्थ फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, दैट इज़ जी इज़ इक्वल टू जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। दिस इज़ दी इक्वेशन विच वी यूज़ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो लेकिन जी एच एट हाइट जो है वो कौन सा फार्मूला है जिसके ज़रिए से हम जो है एट हाइट जो है वैल्यू ऑफ जी फाइंड आउट करते हैं, तो दैट इज़ जी एच जी एम ई ओवर, अब यहाँ पर आर, आर मीन्स के रेडियस ऑफ अर्थ है लेकिन यहाँ पर वैल्यू ऑफ जी एट द सर्फेस ऑफ अर्थ है। अब हम बात कर रहे हैं कि वैल्यू ऑफ जी एट हाइट, तो फिर ये फार्मूला ऑब्वियसली चेंज होता है, दैट इज़ आर प्लस एच रेडियस प्लस हाइट। तो ये जो ऊपर हाइट है इसकी बात करिए, यहाँ तक तो रेडियस है, ठीक है, ये तो रेडियस हो गया, तो इसके ऊपर हाइट, वो कौन सी हाइट पर वैल्यू ऑफ जी वुड बी 1/4, तो हमने वो हाइट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर स्क्वायर, तो वी हैव दीज टू इक्वेशंस विच वी आर गोइंग टू यूज़। अब हमारे पास हमने ये वाली इक्वेशंस जो हैं इसके मुताबिक जो हैं, इस जो इक्वेशन हमारे पास हमने जो आपके आपने क्वेश्चन के मुताबिक बनाई है उसके मुताबिक हम इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अब हम वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं, तो जी एच इज़ इक्वल टू जी ओवर 4, तो जी एच जी एम ई ओवर आर प्लस एच स्क्वायर, जी एच की वैल्यू रिप्लेस की और जी की वैल्यू हमारे पास है जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। तो इस फार्मूला को हम बेसिकली पहले से लिख लेते हैं कि ये क्या बन जाएगा, 4GH इज इक्वल टू जी। तो इट मीन्स कि यहाँ पर ये जो है इसके लिहाज से फिर इक्वेशन ये वाली जो है दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जी एम ई इस इक्वल साइन के लेफ्ट साइड पर भी है और यही इक्वल साइन के राइट साइड पर भी है। दिस कैन बी रिमूव फ्रॉम बोथ साइड्स, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 4 ओवर आर प्लस
एच स्क्वेयर, एंड यहाँ पर हमारे पास रहा 1/r². ऑलराइट, इसके बाद हमने जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, व्हाट वी गेट ओवर हेयर, 4r² इज इक्वल टू r प्लस एच स्क्वेयर। ठीक है, क्योंकि हमने देखें यहाँ पर हमने हाइट फाइंड आउट करनी है कि वो कौन सी हाइट है कि जहाँ पर जो वैल्यू ऑफ जो जी है दैट विल बी 1/4। तो हमने वो हाइट फाइंड आउट करनी है, ये वाली हाइट फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स कि यहाँ पर हम ये वाली जो हाइट है वो फाइंड आउट करेंगे। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर इसका इसको रिमूव करना है हमने स्क्वायर रूट, ताकि सॉरी स्क्वायर जो है वो रिमूव करना है ताकि यहाँ पर एच हमारे पास आ जाए। तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पर 4r² स्क्वायर रूट लिया यहाँ पर, और यहाँ पर भी हमने r प्लस एच स्क्वायर रूट लिया। तो ऑब्वियसली यहाँ पर तो ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर इसको हम क्या ले सकते हैं, 2r². मैं इसको थोड़ा सा इजी करने लगा आप लोगों के लिए, और यहाँ पर हमारे पास ये एज़ इट इज़ आ गया। तो यहाँ पर ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पर भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, एंड व्हाट वी गेट, 2r इज इक्वल टू r प्लस एच। जी, तो यहाँ पर हमारे पास 2r इज इक्वल टू r प्लस एच, हमें यहाँ पर हाइट फाइंड आउट करनी है, तो h हम यहीं पर रहने देते हैं, एंड वी गेट वी टेक दिस वन ऑन ऑन द लेफ्ट साइड, सो वी गेट 2r माइनस r, एंड h इज इक्वल टू r। सो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, वी गेट हाइट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। मीन्स के अगर हम ड्रॉ करें इसको, तो ये रेडियस है। इट मीन्स के हाइट, वो कौन सी हाइट है जहाँ पर जो वैल्यू ऑफ जी है दैट विल बी 1/4 दैट। तो यहाँ पर हमें सॉल्व करने से पता लगा कि वो हाइट इज़ इक्वल टू रेडियस, मीन्स के इसके ऊपर जितना रेडियस है इसके ऊपर उतनी ही हाइट पर वैल्यू ऑफ जो जी है दैट विल बी 1/4 ऑफ द वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। यहाँ पर वैल्यू ऑफ जी जो है वो यहाँ पर फुल वैल्यू ऑफ जी है, यहाँ पर ये एट दिस हाइट इट विल बी जी ओवर 4। तो ये हाइट, तो ये हाइट किसके इक्वल है, ये हाइट एग्जैक्टली रेडियस के इक्वल ही है। कि यहाँ वैसे तो ये रेडियस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ है, ठीक है, तो ये हाइट जितनी भी है दैट इसी के ऊपर सरफेस से ऊपर जो हाइट है दैट इज़ इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। तो वहाँ पर जो वैल्यू ऑफ जी विल बी 1/4 ऑफ वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। आर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, आर इज़ इक्वल टू 6.4 × 10^6 मीटर्स। ये जो रेडियस ऑफ अर्थ है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, तो ये इतनी है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है, ये एच के इक्वल है। इट मींस के हमारी हाइट जो है अबव द सरफेस ऑफ अर्थ वो भी कितनी हुई, दैट हाइट विल बी 6.4 × 10^6 मीटर। तो इस हाइट पर जो वैल्यू ऑफ जी वुड बी 1/4। तो ये वो हाइट है जहाँ पर वैल्यू ऑफ जी 1/4 होगी as compared to the value of g on the surface of earth। I hope कि आप लोगों को ये numerical समझ आ गया होगा। Okay students, अब हम numerical number 5.8 की तरफ आते हैं, ठीक है। और what it reads as, a polar satellite is launched at 850 km above earth, find its orbital speed। कि एक polar satellite जो है, first of all we'll see कि what is a polar satellite, a satellite which is launched to जो के लॉन्च के रहता है, और ये जो पोल्स हैं, जो अर्थ के पोल्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, उनके पास से गुजरता है, ठीक है, इनके बहुत क्लोजेस्ट गुजरता है ये पोल्स के। तो दैट सैटेलाइट इज़ कॉल्ड पोलर सैटेलाइट। इसको क्या किया गया है, इसको 850 km अबव अर्थ इसको लॉन्च किया गया है, तो फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। तो हमने इसकी ऑर्बिटल स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो ऑर्बिटल स्पीड फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है, वी नॉट
वी ऑर्बिटल, इसको वी ओ ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं, दैट इज़ इक्वल टू जी एच आर प्लस एच। दिस इज़ द फार्मूला कि जो यूज़ होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए। अगर हम इसको में देखें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ भी है, हमारे पास हमारे न्यूमेरिकल के मुताबिक हाइट भी है। व्हाट वी डोंट हैव ओवर हेयर इज़ दिस वन जी एच, के यहाँ पर जब इस हाइट पर जो है वो सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा, तो यहाँ पर इस हाइट पर वैल्यू ऑफ जी क्या होगी, ये हमारे पास नहीं है। जो जी की वैल्यू होती है, जब हम नॉर्मल जी की बात करते हैं, तो वो वैल्यू जो जी की होती है वो एट द सर्फेस ऑफ अर्थ होती है। तो ये एट द सर्फेस ऑफ अर्थ तो नहीं है, ये तो एट द हाइट ऑफ 850 किलोमीटर्स अबव अर्थ है। तो यहाँ पर जी की वैल्यू वो वैल्यू तो नहीं होगी जो कि एट द सर्फेस ऑफ अर्थ होती है। तो हमारे पास यहाँ पर इस फार्मूला में ये चीज़ तो है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें वही जो जी एच फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं, वैल्यू ऑफ जी फाइंड आउट करने के लिए एट हाइट, तो एच हमारे पास क्या है, अभी हमने पिछले न्यूमेरिकल में भी इसको यूज़ किया, जी एम ई ओवर आर प्लस एच स्क्वायर, ये फार्मूला हमने यूज़ करना है वैल्यू ऑफ जी एट हाइट फाइंड आउट करने के लिए, ताकि जब जहाँ से जो आंसर मिले हम उसको इस फार्मूला में यूज़ करके ऑर्बिटल वेलोसिटी को जो है वो ऑर्बिटल स्पीड जो है उसको फाइंड आउट कर सकें। तो इसके मुताबिक हमारे पास सब चीज़ें हैं, ठीक है। हमारे न्यूमेरिकल में क्या है, हमारे पास वैल्यू ऑफ आर जो है वो क्या है, आर इज़ इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ इज़ इक्वल टू 6.4 इंटू 10 पावर इज 6 मीटर्स, हाइट हमारे पास है 850 किलोमीटर्स, इसको हमने कन्वर्ट करना है मीटर्स में, सो 850 इंटू 10 पावर इज 3, हमने इसको 1000 कैन बी रिटन एज 10 पावर इज 3, तो हमने इसको 10 पावर इज 3 से मल्टीप्लाई किया, सो इट विल बी कन्वर्टेड इंटू मीटर्स। वैल्यू ऑफ जी विच इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट 6.673 इंटू 10 पावर इज माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर, एंड देन मास ऑफ अर्थ हमें पता है दैट इज़ 6 इंटू 10 पावर इज 24 किलोग्राम्स। तो दीज आर दी थिंग्स विच वी हैव टू यूज़ इन दिस फार्मूला। नाउ वी टू फाइंड दी वैल्यू ऑफ जी, हम इसको फार्मूला में पुट करते हैं, फार्मूला इज जी एच इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच स्क्वेयर, ठीक है। तो ये इसमें हमने इसको इन वैल्यूज़ को अब हम पुट करेंगे जी, तो जी की वैल्यू है 6.673 इंटू 10 पावर इज माइनस 11 इंटू मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 पावर इज 24 ओवर आर प्लस एच, तो आर हमारे पास क्या है 6.4 इंटू 10 पावर इज 6 प्लस, और हमारे पास जो है हाइट दैट इज़ अगर हम इसको लिखें तो 850 इंटू 10 पावर इज 3 होल स्क्वायर। सो वी हैव रिप्लेस्ड वैल्यूज़ विद द वेरिएबल्स। अब इसके बाद 6.673 मल्टीप्लाई बाय 6 जब हम करते हैं, तो हमने हमेशा ये वैल्यू बार बार यूज़ हुई है, तो दैट इज़ 40.038 इंटू 10 पावर इज 24 माइनस 11 ओवर, और इनको हम क्या करते हैं, इसको हम ये जो एक्सपोनेंट की फॉर्म में है इसको ख़त्म करके हम इसको नंबर्स की फॉर्म में फुल फिगर्स लिख लेते हैं, 640000 प्लस, और इसको जब हम लिखेंगे तो 850 3 ज़ीरोज़ आगे लगा दिए हमने, 1, 2 एंड 3, और स्क्वायर ले लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 40.038 इंटू 10 पावर इज 13 24 माइनस 11 13 ओवर, इनको जब हमने ऐड किया व्हाट वी गेट 725 1 2 3 4 स्क्वायर। हमने पहले भी इनको सेपरेट किया ताकि हम हमारे लिए कैलकुलेट करना इसको या स्क्वायर लेना इसको आसान हो जाए, क्योंकि इतने बड़ी वैल्यू को जब हम स्क्वायर लेंगे दैट विल बिकम अ वेरी लार्ज वैल्यू, वेरी लार्ज फिगर,
तो हमने इसको छोटा रखना है. व्हाट वी डू, 40.038 × 10^13/725 का स्क्वायर इंटू 10^4 स्क्वायर. ठीक है, तो इसके बाद फोर्टी पॉइंट ज़ीरो थ्री एट इंटू 10^13/725 का जब हम स्क्वायर लेंगे वी गेट 5 to 5 6 to 5. एंड 10^4 का जब हम 10^4 का स्क्वायर लेंगे बट वी गेट 10^8. सो व्हाट वी गेट ओवर हेयर, 40.038 × 10^13 और ये ऊपर जाकर माइनस 8/5 to 5 6 to 5 एंड 40.038 × 10^5 डिवाइडेड बाय 5 to 5 6 to 5. और जब हम 40.038 को 5 to 5 6 to 5 से डिवाइड करेंगे व्हाट वी गेट ओवर हेयर, 0.00076172 × 10^5. एज इट इज़ 10^5, जब हम डेसिमल पॉइंट को 5 प्लेसेस राइट पे मूव करेंगे तो व्हाट वी गेट, इसको हमने डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है, इसको हम 5 प्लेसेस 1 2 3 4 5, तो 7.6172 × 10^-5 × 10^5, तो ये कैंसिल हो जाएंगे. 10^5 - 5 कैंसिल हो गए. व्हाट वी गेट ओवर हेयर, 7.6172 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज़ दी वैल्यू ऑफ जी एट हाइट. ठीक है, तो ये हमने वैल्यू जो है वो ऑब्टेन कर ली. नाउ अब हमने जो ऑर्बिटल स्पीड है या ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसको फाइंड आउट करना है. तो जो हमारे पास फार्मूला था ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए, दैट वॉज वी नॉट जी एच आर प्लस एच अब इसमें हम वैल्यूज प्लेस करेंगे. जी एच की वैल्यू हमारे पास हमने फाइंड आउट की 7.6172 × 6.4 × 10^6. आर की वैल्यू हमारे पास 6.4 × 10^6 प्लस एच की वैल्यू हमारे पास 850 मीटर्स में कन्वर्ट किया हुआ है इसको. हमने वैल्यूज़ प्लेस की. ठीक है, 7.6172 × तो जब हम इसको इसके एक्सपोनेंट को ख़त्म करेंगे तो 6 4, तो आगे 1 2 3 डेसिमल पॉइंट ख़त्म किया तो 1 2 3 4 5 & 6 प्लस 850000. इन दोनों को हमने ऐड किया तो व्हाट वी गेट, 7250000 और इसको हमने अंडर रूट देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से द फिगर विल गेट इज 5522470000 और इसके ऊपर हमारे पास
स्क्वायर रूट है, जब हमने इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया तो व्हाट वी गेट, 7431 विच इज़ दी ऑर्बिटल स्पीड और ऑर्बिटल वेलोसिटी, और इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो पोलर सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी दैट विल बी 7431 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर पर सेकेंड। अगेन यहाँ पर क्योंकि इस बड़ी फिगर का स्क्वायर लेना मुश्किल हो जाएगा, बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। व्हाट वी गेट ओवर हेयर, 40.038 इंटू 10^13 ओवर 484 का स्क्वायर इंटू, बाकी आपके पास 10^5, ये 5 जीरोस बचते हैं, 10^5 का स्क्वायर। ठीक है, हमने इसको लिखा, व्हाट वी गेट आफ्टर दिस, 40.038 इनटू 10^13 ओवर, जब हमने 484 का स्क्वायर लिया, ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, 2356, और 10^5 का स्क्वायर 10^10, एंड व्हाट वी गेट, 40.038 इनटू 10^13 माइनस 10, ये 10^10 जो है पॉजिटिव है डिनोमिनेटर में, जब ये न्यूमिनेटर में जाएगा तो ये इस पावर से माइनस 10 ओवर 234256। और जब हमने इसको डिवाइड किया, व्हाट वी गेट, 0.000171 इनटू 10^13 माइनस 10 3 रह गया, और जब हमने इसके डेसिमल पॉइंट को इधर मूव किया टुवर्ड्स द राइट शिफ्ट किया, यहाँ पर 3 प्लेसेस हमने ये 10^3 ख़त्म करना है, तो उसको हम 3 प्लेसेस यहाँ पर मूव करते हैं, तो व्हाट वी गेट, 0.171 इनटू 10^-3 इनटू 10^3, एंड व्हाट वी गेट, 0.171 दैट विल बी दी ऑर्बिटल वैल्यू ऑफ g8 एट हाइट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने जी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हम जो है नेक्स्ट अपने जो ऑर्बिटल वेलोसिटी वाला फार्मूला है, वी नॉट इज इक्वल टू जी एच आर प्लस एच स्क्वायर रूट, इसमें पुट करेंगे व्हाट वी हैव, जी एच की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 0.171 इनटू आर की वैल्यू हमारे पास 6.4 इनटू 10^6 प्लस एच की वैल्यू हमारे पास 42 1 2 3 4 5 एंड 6, एंड होल स्क्वायर रूट 0.171 इनटू, इसको भी हमने फिगर में जब कन्वर्ट किया तो हमारे पास 6 4 1 2 3 4 5 प्लस 4 2, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे 0.171 इन टू, जब हम दोनों को ऐड किया तो द फिगर वी गेट इज 484, ये फिगर हमारे पास आता है, एंड होल स्क्वायर रूट, और जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया वी गेट 8276
400 स्क्वायर रूट, एंड जब हमने इसका इस फिगर का स्क्वायर रूट लिया व्हाट वी गेट 2876 ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी उस सैटेलाइट की, कम्युनिकेशन सैटेलाइट की होगी जो के जब ये रिवॉल्व करेगा अराउंड द अर्थ। होपफुली आप लोगों को ये न्यूमेरिकल्स जो हैं वो समझ आ गए होंगे। अपना फीडबैक जो है वो कमेंट्स की फॉर्म में ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को इसमें क्या मुश्किल आई, या आप लोगों को कोई चीज़ अगर क्लियर नहीं है, सो दैट आई कैन मेक इट मोर ईजियर फॉर यू, कि आप लोग इसको फ्यूचर में जो है वो ज़्यादा आसानी से सीख सकें। तो अपना फीडबैक या कमेंट्स देना ना भूलिएगा।